द्रौपदी पांचों पुरुषों की पत्नी थी, पर ये कैसी थी? यहां एक बंटवारा था कि ये एक साल 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग रहेगी, उसके बाद फिर दूसरे के संग रहेगी, फिर तीसरे के संग रहेगी, फिर चौथे के संग, फिर पांचवे के संग। और द्रौपदी कोई सामान्य महिला नहीं थी, द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा जानते हो किसे कहते हैं? जो योनि से प्रकट नहीं होती। मैं और आप योनिजा हैं, योनि से प्रकट हुए हैं माँ के गर्भ से, पर द्रौपदी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। तो द्रौपदी जब एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास, जब वो भीम के बाद अर्जुन के पास जाती थी, उस समय वो कुंवारी हो जाती थी। ये पंचकन्याएं हैं, द्रौपदी पंचकन्याओं में आती है। जब ये एक पुरुष से दूसरे पुरुष के संग जाती थी तो ये कुंवारी हो जाती थी, फिर लड़की हो जाती थी, बच्ची हो जाती थी। इनका कुंवारपन इनको वापस मिल जाता था, ये शक्ति थी। इन्हें पांच पति क्यों मिले, इनका भी एक रहस्य है। शंकर जी का इन्होंने जप किया था, माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में, तो शंकर जी से इन्होंने कहा था कि हमें ऐसा पति मिले जो बड़ा धनुर्धर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा सुंदर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति मिले जो ये हो, और ऐसा पति मिले जो वो हो। शंकर जी ने कहा ये सारे गुण एक आदमी में तो नहीं है, पर ये पांच लोगों में रहेंगे, तो एक काम करो तुम्हें पांच पति मिलेंगे। शंकर जी ने वरदान दिया। इसलिए जो द्रौपदी ने मांगा था कि उन्हें पांच गुण वाला पति चाहिए, जिनके अंदर ये पांच गुण हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो। सुंदर इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम भैया बलशाली थे, अर्जुन गांडीवधारी थे, नकुल बहुत सुंदर थे, नकुल और सहदेव अत्यधिक सुंदर थे। ऐसे पांच चीजें द्रौपदी माँ ने मांगी, तो शंकर जी ने कहा ये पांचों एक आदमी में तो नहीं होगा, पर तुम्हें पांच पति मिलेंगे। तो इसके कारण उन्हें पांच पति की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं, और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज हो सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे, बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है, औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत की एक से ज़्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शोहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा के आयत है, सूरह नंबर 4,
आयत नंबर 23 और 24 और 25 में कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है, हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है, लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्शुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन, अ मैन इज मोर सेक्शुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलती रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है, लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता, फिर भी चांसेस है क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं, अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूँ, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है, तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी।